नमस्कार, आज हम मुक्त इलेक्ट्रॉन सन्निकटन में इलेक्ट्रॉन अवस्था घनत्व क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेट्स इन फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन। हमने देखा है कि जो अगर हम ऊर्जा वर्सेस डायमेंशंस प्लॉट करते हैं तो संयोजकता बैंड नीचे होता है, उसके ऊपर चालन बैंड होता है जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। जो संयोजकता बैंड का सबसे ऊपर वाला बैंड होता है EV और चालन बैंड का सबसे नीचे वाला स्तर होता है EC। इनके मध्य एक वर्जित स्तर होता है जिसको हम EG कहते हैं। ये जो दूरी है इसको हम EG कहते हैं। अर्धचालकों में इसकी मात्रा करीब 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से के आसपास होती है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स भी होती है। इसके बीच में फर्मी लेवल जो चालक बैंड और संयोजकता बैंड मतलब EC और EV के बीच में हमें EF की वैल्यू भी मिलती है। नए अर्धचालकों के लिए EF का जो स्तर है वो इनके बीचों बीच होता है। चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों उसके निम्न स्तर EC के निकट क्वांटम अवस्थाओं में स्थित होते हैं, वह शेष बैंड रिक्त होते हैं, अतः इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त माना जा सकता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा E = 12mv² होती है। अगर हम इसको मोमेंटम या संवेग में कन्वर्ट करें तो E = v² / 2me होता है। me इलेक्ट्रॉनिक मास होता है या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। डी ब्रोगली समीकरण से पी का जो मान होता है वो h/λ होता है। लैम्डा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है। अगर हम इस इक्वेशन को जो कि p² / 2m ही है और p = h/λ इन दोनों को सम्मिलित करते हैं तो हम ये जानते हैं कि इसको कन्वर्ट करने पर जो वैल्यू आएगी E की वो हो जाएगी E = h² / 4π² k² / 2me। और अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो k² का जो मान है वो हो जाएगा 8π² me/h², जैसे कि इस इक्वेशन में दर्शाया गया है। यदि XYZ अक्षों के अनुदिश सदिश k के घटक kx ky kz होते हैं तो k² = kx² + ky² + kz² = 8π² me/h². ये जो kx ky kz है ये मोमेंटम वेक्टर है जिसको हम 2π/λ भी कहते हैं। लैम्डा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है। अगर हम k स्पेस मानते हैं जिसके xyz थ्री डायमेंशनल स्पेस जैसे होती है, ऐसे k स्पेस मतलब मोमेंटम स्पेस या संवेग समिष्टि हम मान रहे हैं, तो इसको अगर हम एक गोला मानते हैं 8π² me/h² ^2, इस त्रिज्या का एक गोला होता है, उसमें lx ly lz भुजाओं वाला lx ly lz इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान v होता है। इस आयतन के आयताकार षटफलक पर विचार करें तो सीमा बंधनों के कारण वे तरंग दैर्ध्य जो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है वो इस प्रकार से होंगे। x दिशा में लैम्डा हो जाएगा lx/n1, y दिशा में लैम्डा हो जाएगा ly/n2, z दिशा में लैम्डा हो जाएगा lz/n2। यहाँ n1, n2 और n3 धनात्मक पूर्णांक है, अतः kx हो जाएगा 2π/λ। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2π n1 by lx और ky हो जाएगा 2π n2 by lx और kz हो जाएगा 2π n3 by lz। n1, n2, n3 प्रत्येक मान में इकाई वृद्धि करने पर kx, ky व kz के मानों में वृद्धि, अगर हम Δx, Δkx, Δky और Δkz मान लेते हैं तो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं Δkx, Δky, Δkz वो हो जाएगा 2π/lx into 2π/ly into 2π/lz, ये हो जाएगा 8π³ lx ly lz, मतलब कि ये हो जाएगा 8π³/v।
के समष्टि में यह आयतन एक क्वांटम अवस्था के संगत आयतन होता है, यानी कि 8π² mee/h² इस त्रिज्या के गोले के आयतन में एकल क्वांटम अवस्था के संगत आयतन 8π² V का भाग देने पर ई ऊर्जा तक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम अवस्थाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमने इसमें दर्शाया है, इस इक्वेशन में n का जो मान है ये हो जाएगा 4π/3 8π² mee/h² 3/2 V/8π². अब हम इसको 2 से गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि प्रत्येक क्वांटम अवस्था में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन स्थित हो सकते हैं, अतः ई ऊर्जा तक क्वांटम अवस्थाओं की कुल संख्या n जो हो जाता है वो होता है 2 × 4π/3 8π² mee/h² 3/2 × V/8π². इसका जो मान है जैसे कि इक्वेशन में दर्शाया गया है वो है 8π/3 × 2 mee/h³ V/h³। इस समीकरण के अवकलन से E तथा E प्लस डी ऊर्जा के मध्य एकांक आयतन जब V=1 होता है तो इलेक्ट्रॉन अवस्थाओं की कुल संख्या किस प्रकार से होगी, वो हो जाएगी dN = 8π/3 2 mE^3/2 h³ × 3/2 e^2½ dE। अब dN/dE जो है वो वैल्यू हो जाएगी 8π/h³ 2 mE^2 mE^3/2 e^2½ ये NE है। राशि dN/dE को हम अवस्था घनत्व भी कहते हैं। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और हमें N0 का मान हमें मतलब कि इलेक्ट्रॉन घनत्व N0 का मान अगर हमें प्राप्त करना है तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे जैसे कि इक्वेशन में दर्शाया गया है। वो इक्वेशन हो जाएगा उसके जो लिमिट्स लोअर लिमिट है EC, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं होता है, उसकी जो लोअर लिमिट है वो EC से ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्टार्ट होती है और वो इन्फिनिटी तक जा सकती है, अवस्थाएं इन्फिनिटी तक रहती है। तो 8π/h³ 2 mE^³ 1 e^e−ef/kT। चालान बैंड का न्यूनतम स्तर EC होता है और इसमें कम ऊर्जा वाले स्तर वर्जित ऊर्जा अंतराल में स्थित होते हैं, इसलिए क्वांटम अवस्थाओं के घनत्व के सूत्र में e^½ के स्थान पर e−ec^½ को भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं, ऐसा शॉकले जी ने कहा था। इसके अतिरिक्त चालान बैंड में इलेक्ट्रॉनों के लिए e < EC तथा फर्मी ऊर्जा स्तर वर्जित ऊर्जा अंतराल के मध्य है, अतः e−ef इज़ वेरी मच ग्रेटर देन kT। इसका मतलब e·e−ef/kT इज़ वेरी मच ग्रेटर देन 1 है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, N0 = ∫ जैसे कि इक्वेशन में दर्शाया गया है, लोअर लिमिट EC→∞, अपर लिमिट इन्फिनिटी, 8π/h³ 2 mE^³ 1½ e−EC^½ dE / e−ef/kT। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, 8π/h³ 2 mE^³ 1½ e−EC/EF/kT और इंटीग्रल है EC लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट इन्फिनिटी, e−EC^½ e−EC/kT dE। अब हम मान लेते हैं e−EC/kT इसको x मान लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो DE = kT/dx, kT × dx। तो N0 का मान इस वैल्यू को यूज़ करते हुए हम जो फाइनली जो प्राप्त करते हैं वो ये है कि 8π/h³ 2 mE^³ 1½ kT³³ e−EC/EF/kT और इंटीग्रल x½ e−x dx। ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, मतलब कि x½ e−x dx जिसकी लिमिट्स 0 से इन्फिनिटी है, इसकी वैल्यू क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है इसकी वैल्यू होती है √π/2।
इस वैल्यू को जब हम इंटीग्रल में प्लेस करेंगे तो एन ज़ीरो का मान हो जाएगा 2 × 2πmekt/h²³ e−ec−efkt जैसे कि इक्वेशन में दर्शाया गया है। यहाँ पे एन सी को हम एक कांस्टेंट मान सकते हैं और वो कांस्टेंट का जो मान है वो है 2 × 2πmekt/h²³। ये हो गई मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन, मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की घनत्व। इसी प्रकार हम होलो का घनत्व भी संयोजकता बैंड में प्राप्त कर सकते हैं। उसका मान हो जाएगा P₀ = N₀ (1 − Fe). तो P₀ को हम लिख सकते हैं NV × 1 − 1/(1 − e−ef/kt). तो P₀ हो जाएगा NV × 1 − 1/(1 + e−ef/kt), जो कि हम इसको उसी प्रोसेस से अगर ओबे करते हैं तो ये हो जाएगा P₀ = 2 × 2πmpkt/h²³³ e−ef−ev/kt। तो हमने देखा कि होलों के लिए ये जो इक्वेशन है ये P₀ = NV × e−ef/ev/kt, जबकि इलेक्ट्रॉनों के लिए ये हो जाएगा N₀ = NC e−ec−ef/kt। धन्यवाद।